वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। ये जो तस्वीर देखी आपने, ये तस्वीर ना पाकिस्तान की है और ना तालिबान की, ये तस्वीर है हिंदुस्तान की, जहां सरेआम अल्लाहू अकबर चिल्लाता हुआ एक शख्स गोरखनाथ मंदिर में, जिसका नाम है मुर्तजा बासी, वो घुस गया और धारदार हथियार से दो सुरक्षा कर्मियों को हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में एक व्यक्ति द्वारा सुरक्षा कर्मियों पर हमले की खबर सामने आई है। हमलावर मजहबी नारा भी लगाने की बात कही जा रही है। आरोपी के पास से मिले पैन कार्ड में मुर्तजा बासी नाम लिखा हुआ है। इस घटना में उत्तर प्रदेश पीएसी के दो जवान घायल हो गए। हमलावर को पुलिस ने किसी बड़े नुकसान से पहले ही हिरासत में ले लिया। आतंकी हमले की आशंका के चलते इस मामले की जाँच अब एटीएस कर रही है। घटना रविवार की है। इस हमले का वीडियो भी सामने आया है, जिसने सभी को चौंका दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर मंदिर में घुसने का प्रयास कर रहा था। गेट पर तैनात पीएससी के दो जवान ने उस पर शक हुआ तो उसे रोका गया। रोके जाने पर आरोपी ने दोनों जवानों पर अपने साथ पहले से लाए गए धारदार हथियार से हमला कर दिया। फिर वो मेन गेट के पास अल्लाहू अकबर चिल्लाता हुआ है, जहां कांस्टेबल अनुराग राजपूत और एआईयू अधिकारी ने उसे रोक लिया। खबर है कि अब्बासी अकेला नहीं था, उसके साथ एक और शख्स था, लेकिन वो भाग गया और अब्बासी को पकड़ लिया गया। शुरुआती जांच में पता चला है कि हमलावर ने अलीगढ़ में पढ़ाई की है। इसके बाद उसने मुंबई के केमिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है। हमलावर के पास से एक इंडिगो फ्लाइट की टिकट भी मिली है। उसके सीधे मुंबई से गोरखपुर आने का शक बताया जा रहा है। वह गोरखपुर का ही रहने वाला बताया गया है। उसके पास से एक लैपटॉप भी बरामद हुआ है, जिसकी पुलिस जाँच कर रही है। और कई लोगों का इसमें यह भी कह रहा है कि यह किसी बड़े मकसद के साथ मंदिर में घुस रहा था, जिसको यूपी पुलिस ने नाकाम कर दिया। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़ राष्ट्र के।